नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 चंदौली। जमीनी विवाद के कारण दो पक्षों में जमकर हुई खूनी संघर्ष। दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे और एक पत्थर। प्रधान ने जमीन को ग्राम समाज का बताया, वही विपक्ष ने जमीन पर जताया अपना हक। लेखपाल के द्वारा जमीन पर पैमाइश के दौरान दोनों पक्ष आपस में भिड़े। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के एक दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। मारपीट की सूचना मिलते ही सीओ एसडीएम समेत तीन थानों के फोर्स मौके पर पहुंची। वहीं घायलों को पुलिस की मदद से जिला चिकित्सालय चकिया भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने दो की गंभीर हालत को देखते हुए ट्रॉमा सेंटर वाराणसी किया रेफर। वहीं दूसरे पक्ष के तहरीर पर 04 लोगों के खिलाफ पुलिस ने SC/ST 1 में मुकदमा किया दर्ज। चकिया कोतवाली क्षेत्र के खरौछा गाँव का मामला। कल दिनांक 12 जून 2021 को इलिया थाना अंतर्गत एक गांव है खरौंजा, जहां पर वीरेंद्र दुषाद और उनके पिता बलिराम दुषाद के द्वारा अपने मड़ाई लगाई जा रही थी जमीन पर, जिसको वर्तमान जो ग्राम प्रधान है उनके द्वारा ये कहते हुए उस कार्य को रोकने का प्रयास किया गया कि ये ग्राम समाज की जमीन पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसी बात को लेकर के आपस में कहासुनी और मारपीट हुई दोनों पक्षों के बीच में। मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें वीरेंद्र दुषाद की तहरीर के आधार पे 323, 504, 506 IPC व 3(1) दाथा SC/ST एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। कुल चार लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें ग्राम प्रधान से चार लोग हैं। कुछ लोग घायल हुए हैं वीरेंद्र दुषाद की तरफ से, जिसमें चार लोगों को एक्सरे के लिए रेफर किया गया है। विवेचना मेरे द्वारा की जा रही है और जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके आधार पर और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाए। मैं ग्राम प्रधान खरौंजा राजन सिंह, आज 12:56 पर लेखपाल महोदय हमारे ग्राम सभा में आए, हमको फोन किया। कल 11 जून 2021 को बलराम पासवान और सुदामा पासवान द्वारा ग्राम सभा की जमीन में अवैध रूप से मिट्टी का कार्य कराया जा रहा था। वहाँ मड़ई लगाने की व्यवस्था वो बना रहे थे, जिसकी सूचना हम 112 नंबर पर दिए। 112 नंबर आकर उनको मना कर दिया और बोला कि लेखपाल महोदय से पैमाइश करवा के आप जो है इस कार्य को आगे बढ़वाइएगा। लेखपाल महोदय आज 12 जून को हमारे यहाँ आए, हमको फ़ोन किए, हमारे ग्राम सभा में पहुँच के मैं मौके वारदात पर गया। सुदामा पासवान और बलवी पासवान द्वारा पहले से प्रायोजित साजिश थी। जो ही मैं और लेखपाल महोदय नक्शा खोल रहे थे, इन लोगों द्वारा जो है छत के ऊपर से ढेलाबाजी शुरू कर दिया गया, जिसमें मैं और लेखपाल महोदय को चोटें आएंगे। इसके अलावा हमारे तरफ से 4-5 लोगों को चोटें आएंगी। उसके बाद जो है लेखपाल महोदय वहाँ से निकल लिए, उसके बाद प्रशासन आया। आज की वारदात ओरिजिनल ग्राम प्रधानपति जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव खरौझा, सर 173 पर पहले से विवाद आ रहा है। 2 साल पहले ही उसकी नापी हो चुकी है, थाक गड़ा हुआ है और 167 वन की कार्रवाई हुई है। इसके बाद बल्ली सुदामा रिग्गू पासवान ये सब कबार के वो सब थाक फाक सेक कर जोत रहे हैं। इसके बाद उस पर मट्टी डाल के अतिक्रमण के कर रहे हैं और इसकी सूचना 112 नंबर पर भी दिया गया था, SDM महोदय को भी दिया गया था, थाने को भी सूचित किया गया था। थाने से दरोगा जी आए थे, वो वीडियो बनाए, इसके बाद उसको रोक कर गए। आज लेखपाल महोदय आए, उसका मौका मुआयना कर रहे थे, मौका मुआयना के दरमियान ही वो सब गोलबंदी किए हुए थे, लाठी डंडा से हमला कर दिया और छत से ढेलाबाजी करने लगे। उन्हीं के ढेला से उन्हीं के भाई का सर फूटा हुआ है, हम लोग की तरफ भी 2-3 लोगों को घाव लगा हुआ है।